गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, चिल्लर पार्टी आ गए क्या सब लोग? एंड आई होप माय वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पहले हाँ या नहीं बोलो, उसके बाद ही लेक्चर आगे बढ़ेगा। कैन यू हियर मी क्लियरली? क्या मेरा आवाज क्रिस्टल क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्लियर? सो एवरीवन, कल अपन ने देखा, बिफोर वी स्टार्ट विथ यस्टरडे, आई वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। मतलब आपको नहीं, आपके फादर्स को विश करना मेरी तरफ से, एंड ऑल्सो हैप्पी योगा डे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, सो कल अपन ने देखा कंसिडरेशन की दो बड़ी बड़ी प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर वन टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जिसकी मर्जी, मतलब मैं अगर कंसिडरेशन दे रहा है तो मेरी ही मर्जी से कंसिडरेशन मिलेगा, आपकी मर्जी से आप कंसिडरेशन नहीं दे सकते। मतलब क्या? कल अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था कि आग लग गई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूं, गर्लफ्रेंड के साथ लद्दाख जाने का प्लान बनाया, कानपुर में गाड़ी रुकाई, कानपुर में स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे थे, स्ट्रीट शॉपिंग करते वक्त मैं खुद से गया, खुद से जाके आग बुझाई, और बाद में बोला साहब पैसा दे दो। पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट मैं पी रहा हूं आइस टी, पीते पीते वॉक कर रहा हूं, दुकान वाले ने बोला भाई साहब मदद करो, आग लगी है, जेवरात बचाओ। मैं भागा, मैंने मदद की। उसने बोला, मतलब क्या? अगर मैंने वॉलंटरी एक्ट किया तो कंसिडरेशन, मतलब कुछ मिलेगा मेरे को रिटर्न में? नहीं। बट हाँ, सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया तो मिलेगा। ठीक है, अब लेट अस लुक एट वन ऑफ द लीडिंग केस लॉज जो अपने को बताएगा कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन के बारे में। क्या कल हम लोगों ने ये एरिया देखा था? मुन्नी पिंकी शीला, आप बेनिफिट ले रहे हो, समथिंग इन रिटर्न आपको मिल रहा है, बट फीस कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं ना। समझ में आया? अब एक बहुत फेमस केस लॉ था, इस केस लॉ को अपन डिटेल में, डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इस केस लॉ का नाम है चिन्नैया वर्सेस रमैया। ये हुआ था सन 1882 में। मेरे को हिंदी मराठी में 82 को क्या बोलते हैं पता नहीं, इसके लिए मैंने 1882 बोला, 1882 बोला। ठीक है, सो चिन्नैया वर्सेस रमैया, लेट अस बिगिन द केस लॉ। ये केस लॉ हमारे लिए जरूरी है। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। जूम इन करना पड़ेगा। परफेक्ट हो गया। ओके बच्चों, सबको दिख रहा है चिन्नैया वर्सेस रमैया? ओके, अब सबका ध्यान यहां पे, सारी चीजों को रखो साइड पे। हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ देखने वाले हैं, चिन्नैया वर्सेस रमैया, जो हमको समझाएगा कि ये जो कंसिडरेशन में मूव, किधर गया, यस, सो ये केस मद्रास का है। अब नहीं, इसको कॉपी नहीं करते, ठीक है, चलो, सबका ध्यान है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो। एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं स्क्रीन, परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट। एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है, उस ओल्ड लेडी को एक बेटी थी,
दिस इज ओल्ड लेडी, ठीक है। इस ओल्ड लेडी को एक बेटी थी और इस ओल्ड लेडी को एक सबको आवाज आ रही है क्या स्टूडेंट्स? इज एवरी वन एबल टू हियर मी? अगर आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करो, ईयरफोन्स को फुल वॉल्यूम पे रखा तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई नहीं दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? इज माई वॉइस ऑडिबल? हेलो, अभी आवाज आया? क्या अब आपको आवाज आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ओल्ड लेडी थी और उसको एक बेटी थी सुंदरी, बेटी थी सुंदरी, ओल्ड लेडी की थी एक बेटी, ठीक है। ओल्ड लेडी ने क्या किया? अपनी बेटी को एक गिफ्ट डीड में एक प्रॉपर्टी दे दी। गिफ्ट डीड मतलब माता जी ने बोला कि ये जो एक प्रॉपर्टी है मेरी, घर वर जो भी है, ये प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम करके जा रही हूं। बेटी को बोला ये प्रॉपर्टी तो तेरे नाम करूंगी, बट मेरा भाई जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो भी बूढ़ा है, मेरा भाई यानी तेरा मामा, तो इसमें एक और पर्सन था, ये थे हमारे मामू, ये भी बूढ़े थे, ये कौन थे? मामू ओल्ड लेडी बेटी। ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी किसके नाम पे की? ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी की अपनी बेटी के नाम, ठीक है। और ओल्ड लेडी ने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है तेरे नाम करती हूं, बट तू एन्यूटी एक लमसम अमाउंट तेरे मामा जी को तू दिया करेगी, इसका वादा कर। बेटी ने बोला ठीक है। अब हुआ ये कि बेटी ने मामा जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। और बोला कि एन्यूटी आपको कुछ नहीं दूंगी। मामा जी रोने लगे, बेटी ऐसे मत कर, बेटी तू ऐसा क्यों कर रही है? बेटी ने बोला मामा जी को, मामू समथिंग इन रिटर्न, आई एम पेइंग यू एन्यूटी एंड व्हाट आर यू गिविंग मी? मैं कलर यूज करता हूं। Give me a goddamn minute. बेटी ने क्या बोला? बेटी ने बोला I am paying you. आप मुझे क्या दे रहे हो? क्योंकि आपके साइड से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वी नीड समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन चाहिए। यू गिव मी नथिंग। मामा जी डर गए, मामा जी ने कोर्ट केस फाइल किया और मामा जी ने बोला कि जज ने बोला कि तेरे को तेरे मामा ने कुछ नहीं दिया, बट यू हैव बिन गिवन अ प्रॉपर्टी, अ कंसिडरेशन फ्रॉम योर मदर, एंड द बेनिफिट इज गिवन टू द मामू जान।
ये प्रॉपर्टी का बेनिफिट मामा जी को देना है, एन्यूटी जो तू दे रही है मामा जी ने नहीं दिया बट तेरी मम्मी के साइड से आया, मतलब कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? आई एम वेटिंग. सबको सब कुछ समझा क्या? सबको सब कुछ समझा क्या? क्लियर है? तो चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में क्या हुआ? ओल्ड लेडी, लेडी बेटी प्रॉपर्टी, लेडी बेटी प्रॉपर्टी. लेडी ने बेटी को प्रॉपर्टी दी और बोला कि इसके अंदर का एक हिस्सा एन्यूटी बोल के अपने मामू को दे. बेटी ने मामू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, मामू को बोला कंसिडरेशन किधर है. कोर्ट ने बोला तेरी मम्मी ने जो तेरे को प्रॉपर्टी दिया ना वो कंसिडरेशन है. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? ठीक है. सो एवरीवन, आई होप चिन्नैया वर्सेस रमैया ने आपको ये चीज सिखा दी है. ठीक है. सो एवरीवन, कंसिडरेशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है. नंबर वन कंसिडरेशन, दो प्रिंसिपल्स को याद रखना जरूरी है कंसिडरेशन को समझने के लिए. कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब मैंने बोला करने के लिए नहीं ना, वॉलंटरी किया ना, कंसिडरेशन नहीं है कुछ. समझ में आया? मैंने बोला तो कंसिडरेशन मिलेगा, समथिंग इन रिटर्न मिलेगा. मैंने नहीं बोला, खुद से आके किया तो नो कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? वॉइस लो हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी चिल्लाऊ क्या मैं? चिल्लाऊ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी क्लियर है? चलो एवरीवन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू. मेरी बात ध्यान से सुनो. यहां पे दो व्यक्ति ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया. यह है व्यक्ति नंबर ए और यह है व्यक्ति नंबर बी. दीज टू पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब हुआ यह कि इन दोनों के बीच में कुछ अनबन मच गई. क्या ये पर्सन जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो एक पार्टी को स्यू कर सकता है क्या? कैन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्यू? द आंसर इज नो. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी क्यों है यह समझने के लिए हमें एक और केस लॉ देखना है. पहले तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा. स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू. जो उखाड़ना है उखाड़ लो. ठीक है. अब हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक केस लॉ देखने वाले हैं, डनलप टायर वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड का.
अब इस पे फोकस बहुत ज्यादा ध्यान से रखना, सबका ध्यान स्क्रीन पे। ठीक है, केस लॉ लिख के लो। अब हुआ ये कि एक कंपनी थी, ये कंपनी के मालिक थे मिस्टर डनलप। ठीक है, मिस्टर डनलप टायर जो होते हैं गाड़ी के, वो टायर सप्लाई करते थे। ठीक है, अब मिस्टर डनलप के पास एक दूसरी कंपनी का आदमी आया कि आप डनलप टायर बनाते हो, मैं रिटेलर है, मैं होलसेलर है, मैं आपसे टायर लेगा और मैं मार्केट में लोगों को बेचेगा। ठीक है, दूसरे शॉप ओनर्स को बेचेगा बेचने के लिए। अब एक पर्सन आया, ये पर्सन का नाम था, ही वॉज फ्रॉम मेसर्स ड्यू। ये कंपनी का नाम क्या था? मेसर्स ड्यू। सब लोग को आवाज सुनाई दे रहा है क्या? मिस्टर डनलप टायर बनाता था, मेसर्स ड्यू उसके पास टायर खरीदने के लिए आया। ओके, पे अटेंशन नाउ। इसने क्या बोला कि मैं तेरे को टायर देगा, बट तू ये टायर को जब किसी और को देगा तो वो जो भी थर्ड पर्सन है वो मेरी जो प्राइस लिस्ट है उसके नीचे बेचेगा नहीं। मतलब मेरा एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड के नीचे मेरा माल कोई खपाएगा नहीं, मंजूर है क्या? इसने बोला चलेगा। तो इन दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ये व्यक्ति ने इसको बोला कि मेरा जो भी टायर है उसका प्राइस 5 pounds के नीचे जाना नहीं चाहिए, 5 pounds के नीचे प्राइस जाना नहीं चाहिए मार्केट में बेचते वक्त। अब हुआ ये, मिस्टर ड्यू अपनी दुकान में टायर लगा के बेचे थे, बैठे थे, और इनके पास आया तीसरा व्यक्ति। ये व्यक्ति का नाम था मिस्टर सेल्फ्रिज। व्यक्ति मतलब इसकी कंपनी थी सेल्फ्रिज लिमिटेड। ये व्यक्ति ने मिस्टर ड्यू से टायर लिए और टायर को मार्केट में बेचा एट 4 pounds। यहां तक सबको सब समझा क्या? क्या आपको केस समझ में आया? डनलप ने टायर दिया, देते वक्त कंडीशन डाली। कंडीशन क्या थी? कि ये प्राइस के नीचे मार्केट में किसी ने दे रहा, तू जिसको भी देगा वो पर्सन मार्केट में 5 pounds के नीचे बेचेगा नहीं। ये ड्यू ने बोला ठीक है। ड्यू ने टायर बेचा सेल्फ्रिज को, सेल्फ्रिज ने क्या किया, टायर को बेचा 4 pounds के ऊपर। ठीक है, नाउ ये बात सुन के, ये बात जब मिस्टर डनलप को पता चली तो मिस्टर डनलप ने कोर्ट केस फाइल किया अगेंस्ट मिस्टर सेल्फ्रिज। तो अब हुआ ये, कंप्लेंट किसने की? डनलप ने। किसके खिलाफ की? अगेंस्ट मिस्टर सेल्फ्रिज। ठीक है, अब जब कंप्लेंट की
तो स्टार्टिंग में जो डिसीजन आया वो डिसीजन मिस्टर डनलप के फेवर में गया कि ये तो गलत बात है। अब हुआ ये कि सेल्फ्रिज ने क्या किया, सेल्फ्रिज ने फिर से अपील किया और सेल्फ्रिज ने बोला, जज साहब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिस्टर ड्यू के साथ हुआ है, मैं ये आदमी को जानता भी नहीं हूं, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी हूं, क्या मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिस्टर डनलप के साथ? आई रेस्ट माय केस। जज साहब ने देखा इसको और इसको, जज साहब ने बोला डनलप साहब इधर आओ, क्या आपने शुभम जोशी सर से लॉ नहीं पढ़ा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी यू, आप तो स्ट्रेंजर हो, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ डनलप और ड्यू के बीच में, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ड्यू एंड सेल्फ्रिज के बीच में। तो यू मीन टू से कि आप इनके बीच में आके इंटरफेयर करोगे? ना बाबा ना, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आपको इम्यूनिटी ग्रांट करता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी यू। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? क्या आपको चिन्नैया वर्सेस रमैया समझ में आया? हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछो, क्या आपको डनलप वाला केस समझ में आया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? Doubts. Very good. Perfect. चलो students, do you want to draw such kind of diagram in your notebook right now? Like if you want to pause the video and draw this, अपनी understanding के लिए तो बना के ले लो। किया ना मिताली? सुनो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिताली, आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, हाँ कर रहा हूं, आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो तीसरी पार्टी आके स्यू कर सकती है क्या कि अरे मिताली तूने ऐसा कैसा किया, तूने काम नहीं किया सर का, गलत बात है, मैं स्यू करती हूं तेरे को? नहीं कर सकते, बस उतना ही है। So I'm waiting for you all to draw such diagrams so that you understand what is privity of contract. I am zooming in. First, Mr. Dunlap, Selfridge, and Dew. Once you all are done drawing this, let me know. Very good, Vishal. Very good. Kya baat hai? वाह अनुष्का वाह। अरे आज योगा वोगा किया ना सुबह सबने उठ के, ऐसा सांस वास छोड़ा ना? वेरी गुड जागृति, वेरी गुड अनुष्का पी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
चलो, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, सबका हो गया। अब ये बना लो, ड्यू सेल्फ्रिज डनलप ड्यू। यस ओमकार, आज आपको रिप्लाई करूंगा मैं। यस ओमकार, यस। सबने ये बना लिया। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्री काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, थ्री काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के तीन प्रकार होते हैं, प्रकार नंबर एक, प्रकार नंबर दो, प्रकार नंबर तीन, सॉरी, यस। कंसिडरेशन के तीन प्रकार होते हैं, एक दो तीन। एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर और एक होता है प्रेजेंट। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। कंसिडरेशन के तीन प्रकार, मेरे साथ बोलो, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन एंड प्रेजेंट कंसिडरेशन। नाउ वी विल यूज सम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स टू अंडरस्टैंड ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता क्या है, ठीक है। अब द फर्स्ट काइंड ऑफ कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। द फर्स्ट काइंड ऑफ कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी। ठीक है, एग्जीक्यूटरी को हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर। ठीक है, एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर कंसिडरेशन। मतलब क्या, देखो दो पार्टीज है टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ देर आर टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन। Is the screen visible everyone now? चलो ध्यान दो, यह है पार्टी ए और यह है पार्टी बी। Now when I say एग्जीक्यूटरी यानी फ्यूचर, तो इसका एक पार्ट का एग्जीक्यूशन होता है फ्यूचर में। सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल को देखेंगे। पार्टी ए ने बोला कि आई विल पे यू रुपीज 10,000 राइट नाउ इफ यू डिलीवर मी पैक बैग ऑफ राइस नेक्स्ट मंथ। आज क्या तारीख है, आज है 21st 6 2020। मैंने आज आपको 10,000 रुपया दिया और आपको बोला कि ये 10,000 का समथिंग इन रिटर्न मेरे को चाहिए राइस बैग ऑन 21/7/2020। तो मेरा जो समथिंग इन रिटर्न है, यू गॉट समथिंग इन रिटर्न, बट जो मेरा पार्ट है इट इज एग्जीक्यूटरी। इसको आप एग्जीक्यूट करोगे फ्यूचर में, एग्जीक्यूटरी। समझा, एकदम सिंपल, एकदम इजी, एकदम क्लियर। ये जो राइस बैग है ये मेरे लिए तो कंसिडरेशन हुआ,
ठीक है? So everyone, write down what I am saying. Future, any executory consideration, मतलब it makes the form of promise to be performed in future. A form of promise to be performed in future. Is this clear, everyone? Very good. अब हम लोग देखेंगे second, यानी executed consideration. अब हम लोग देखेंगे second, which is executed consideration. ठीक है, executed मतलब कर दिया है, यानी ठीक है, और लास्ट है पास्ट. ठीक है, चलो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. यह है शॉपकीपर, इसकी है एक किराने की दुकान, शॉपकीपर. ठीक है, और यह हो आप, यू आर द कस्टमर. आप कस्टमर बन के गए, आपने बोला ये लो जी 100 रुपया, आपने दिया ₹100 और उससे ले लिया आपने 1 kg ऑफ राइस. आपने आपका कंसिडरेशन का पार्ट तुरंत किया, उसने आपको तुरंत दे दिया एग्जीक्यूटेड, इस हाथ ले इस हाथ दे. एग्जीक्यूटेड मतलब तुरंत, मैंने आपको दिया आपने मुझसे लिया, सॉरी मैंने आपको दिया और मैंने आपसे लिया. ठीक है, समझा सबको? एग्जीक्यूटेड समझा, एग्जीक्यूटर ही मतलब भविष्य, एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट. एंड लास्ट, इतना पहले आपको बनाने का है तो ये बना के ले लो बच्चों. मतलब कैसा है, ये सारे डायग्राम्स आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है. ये है एग्जीक्यूटरी का, ये आपको बना के लेना है बना के ले लो, अगर नहीं बनाना है तो नीचे चलो एग्जीक्यूटेड का भी बना लो. हो म्हणजे काय, बनवायचं आहे का एग्जीक्यूटरी? यस, हो गया सबका इतना बना के? ओके, मैं आगे बढ़ रहा है, 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 आगे बढ़ रहा है. एग्जीक्यूटेड, अर्पिता यू आर स्मार्ट. चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पे जाते हैं. लास्ट पार्ट है, आई एम सॉरी एवरीवन, लास्ट पार्ट है पास्ट कंसिडरेशन. ठीक है, पास्ट मतलब ऐसी चीज, ऐसा कांड जो आपने किया, कांड बिफोर मेकिंग प्रॉमिस. पास्ट कंसिडरेशन मतलब ऐसा कांड जो अपने प्रॉमिस करने से पहले किया था. फ्यूचर समझ गया, एक साइड का काम बाकी है, दोनों साइड का काम बाकी है, करेक्ट. प्रेजेंट मतलब तुरंत कर दिया, पास्ट मतलब एक ऐसा कांड जो आपने प्रॉमिस करने के पहले किया, मतलब कांड पहले,
प्रॉमिस बाद में, पहले कांड, प्रॉमिस बाद में। मतलब क्या? कैन एनीवन एनलाइटन विथ सम ब्यूटिफुल एग्जाम्पल? सॉरी, आई अपोलोजाइज अगेन। यस यस, अभी क्या करे, करुणा जो चल रहा है बाहर, करुणा। तो फ्यूचर का हो गया ना, और संजीव वो तो फ्यूचर का हो गया ना। ओके, पेइंग मनी इन एडवांस टू गेट द सर्विसेज, गुड ले लिया फिर पैसा बाद में दिया, फर्स्ट यू टीच अस देन वी विल पे। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिस्टर को पिक कर लिया उसका फोन आने से पहले, फर्स्ट यू टीच अस देन विल पे, पास्ट कंसिडरेशन, प्रगति थोड़ा सा गड़बड़ है, गुड्स ले लिए पैसा बाद में दिया। ठीक है अर्पिता, आपका एग्जाम्पल थोड़ा सा एलैबोरेट करो। प्रगति आपका एग्जाम्पल रॉन्ग है, दक्षिणा आपका भी एग्जाम्पल थोड़ा रॉन्ग है, अनुष्का आपका भी रॉन्ग है, संजीव आपका भी रॉन्ग है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो हम लोग ना स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। पास्ट मीन्स, विच मीन्स अ पास्ट एक्ट और फोरबेरेंस, that is to say and act constituting consideration which took place and is completely before the promise is made. Anushka Pawar, someone deciding between two options for dinner, someone binding. Between two options for a man bringing a friend dinner who just had a baby. Hai? Ye kya bol diya aapne? Chalo dhyan do. Aapko pehle to statement read karna aana chahiye, dhyan do. Kidhar gaya? An act constituting consideration which took place and is complete before the promise is made. Maine गेहूं का पोता लाया, वीट या राइस का पोता लाया और आपके घर में लाके रख दिया और बोला देखो कैसा टेस्ट है इसका और मेरे को बताना। आपने उसको खोल के कंज्यूम कर दिया, आपने कंजम्पशन पूरा कर दिया। बाद में मैं आपके घर पे आता और बोलता हूं अरे वो जो था ना आप उसका मेरे को पैसा दे दोगे क्योंकि वो फ्री नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं किराने वाला हूं, मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया। आपने क्या किया, आपने आपका साइड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया, आपने आपका साइड पूरी तरह एग्जीक्यूट कर दिया एंड देन यू टेल मी कि अच्छा ठीक है इसका पैसा ना मैं आपको कल या परसों दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है, वेरी गुड।
प्रॉमिस के पहले ही काम कर दिया, मतलब वी डिड नॉट प्रॉमिस वन अनदर बट मैंने वो काम कर दिया, एंड देन वी प्रॉमिस वन अनदर कि अब आपको इसका कंसिडरेशन मिलेगा। पहले जो काम किया था उसका कंसिडरेशन आपको आज मिलेगा, ठीक है। आई विल टेक सम काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम माई फ्रेंड, देन आई प्रॉमिस दैट आई विल पे फॉर इट। वेरी गुड, अब आपको समझ में आया, सबको समझा? आई एम सॉरी एवरीवन, वो वेदर के वजह से थोड़ा गला खराब है, ठीक है। सबको समझा, सबको चिन्नैया रमैया समझा, सबको डनलप वर्सेस सेल्फ्रिज समझा, सबको एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड पास्ट समझा, चलो आगे बढ़ते अपन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। I'm sorry everyone. Now let us understand the rules governing consideration. अपन ने rules governing offer पढ़ा था, lapse के बारे में पढ़ा था, acceptance के बारे में पढ़ा था, अब अपन rules governing consideration के बारे में समझेंगे, ठीक है। Pay attention. अगर valuable consideration नहीं है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। अब कल मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये वॉइड एंड वॉइडेबल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम वॉइड एंड वॉइडेबल को पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। अगर कंसिडरेशन इज फॉर नो वैल्यू तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। अगर कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, तो किस बात का कंसिडरेशन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, ठीक है। आपने बोला कि सर मैं आपको ये गाड़ी की चाबी देता हूं, आप मेरे को क्या दोगे? मैंने बोला ये कब दूंगा, पकड़ो। इज इट ऑफ सम वैल्यू? नो, इट मेक्स नो सेंस। हाँ, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहा, डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस पे, डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या टर्म्स पे बेस्ड है, ठीक है। सो एवरीवन, कंसिडरेशन मस्ट बी इन सम वैल्यू। राइट डाउन रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर वन, कंसिडरेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम वैल्यू। कंसिडरेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम वैल्यू। लिख दिया सबने? सॉरी, राइट डाउन। Consideration may be an act of abstinence or promise. Act of abstinence, abstinence का meaning क्या है जल्दी बताओ? मैंने आपको definition के time पे बताया था। Abstinence का meaning जल्दी, fast, 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 fast. Shit.
abstinence मतलब to stop someone to take permission or not to do something. Correct? Abstinence मतलब to stop. अब यहां पे ये वर्ड को ध्यान से देखो. Consideration may be an act to not do something or an act of promise. मतलब क्या? Act of promise मतलब क्या? ध्यान से सुनो. मैंने आपको 10,000 रुपए दिए. अभी बीच में वो तूफान उफान साइक्लोन वाइक्लोन आया था. आई के गेव यू 10,000 रुपीज और आपको बोला कि ये जो झाड़ घिरा है, आपको 10,000 दिए है, ये झाड़ मेरे गार्डन में से उठा के बाहर फेंको. आपने मुझे 10,000 लेते हो क्या प्रॉमिस किया था कि सर आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मेरे को बोलो, मेरे बंदे आके यहां पे काम कर देंगे, मेरा वादा है. मैंने बोला वादा कर रहा है, ये ले 10,000 रुपया. आपने 10,000 ले लिया. अब व्हेन आई वांट समथिंग इन रिटर्न एंड व्हेन आई वांट समथिंग इन रिटर्न यू एक्ट, दैट एक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस. And आपका प्रॉमिस क्या था कि आप वो झाड़ को उठाओगे. समझ में आया? तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? मेरे लिए ये हुआ कि आपने मेरा काम किया, झाड़ उठाया. आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? An act of promise क्या हुआ? कि मैंने आपको पेमेंट किया. Is this clear everyone? अब ध्यान देना, ये है मिस्टर बंबानी, ठीक है, और ये है मिस्टर नीडी. मिस्टर नीडी का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है. अब मिस्टर बंबानी ने एक लाविश पार्टी रखी थी अपने फार्म हाउस पे. बहुत करोड़पति आदमी है और उसने बड़े बड़े लोगों को वहां पे बुलाया था. ये भी बड़ा आदमी था बट इसकी चैरिटेबल ट्रस्ट थी. ये आदमी पार्टी में जाता है और मिस्टर बंबानी को बोलता है कि बंबानी साहब, आपका दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, आपने बहुत एहसान किया है हम पे. मिस्टर बंबानी बिजी होते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फोन लेके साइड में निकल जाते हैं. फिर स्पीच वीच का टाइम होता है. ये बंदा पार्टी में है तो अभी थोड़ा सा जूस वूस पिया हुआ है, मतलब ही इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड बट उसने जूस का कंजम्पशन किया है. यहां पे मिस्टर नीडी एक स्पीच देते हैं और एक प्रेजेंटेशन अपने पीछे प्ले करता है. उस प्रेजेंटेशन में मिस्टर नीडी ये दिखाते हैं कि उनके ट्रस्ट के अंदर एक बच्चा है जिसको कोई डेंजरस बीमारी है और उस बच्चे की उम्र है सिर्फ 6 साल. ये बात सुन के मिस्टर बंबानी की आंखों में आ जाता है आंसू. मिस्टर बंबानी पार्टी के एंड में नीडी को बुलाते और बोलते हैं, वो बच्चा है ना, मैं देखो आज वादा करता हूं, जबान दे दी, उसका पूरा इलाज मैं करेगा. कितना खर्चा है? 25 लाख ना, मैं 50 लाख देता है, इलाज भी करा, एजुकेशन भी करा. प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस. ये प्रॉमिस करके मिस्टर बंबानी निकल जाते हैं. क्या ये प्रॉमिस को ये बंदा मिस्टर नीडी एज अ कंसिडरेशन मान सकता है? क्या यहां पे हमें कंसिडरेशन देखने को मिल रहा है? क्या मिस्टर बंबानी को क्या मिलेगा? Is there anything in return? Everyone, kindly note that when you do something dil se, apni khushi se, and aapne vaada kiya, promise kiya ki main aisa karunga, aur aapne nahi kiya, to waha pe consideration nahi aata, waha pe contract nahi aata. Is this clear, everyone? So the third point is there must be mutuality, matlab, Each party must do or agree to do something. ठीक है?
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे हमारे प्यारे मित्र चिंटू. ठीक है, हमारा एक प्यारा मित्र है चिंटू. यह है हम लोग. सॉरी एवरीवन, अगेन आई एम सॉरी. नाउ पे अटेंशन. चिंटू ना बहुत ही बदमाश है. बदमाश किस्म का बंदा है. हर बार कुछ ना कुछ उछल कूद करके नुकसान करता रहता है. हम चिंटू को बोलते हैं, चिंटू इधर 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 इधर. चिंटू ला, बोलो ना बोलो ना बोलो ना. चिंटू ऐसे दांत दांत करके आता है. हाँ बोलो ना भैया, बोलो ना दीदी. आता है चिंटू. चिंटू को बोलते हैं, अगर तू बदमाशी नहीं करेगा, अगर तू बदमाशी नहीं करेगा, इफ यू स्टॉप बीइंग नॉटी, वी विल पे यू 10,000 rupees. प्लीज नॉटी मत रहे. क्या ये किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन हुआ क्या? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी वेग, इट मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी. तू मेरे को 10,000 दे, अली बाबा 40 चोर की गुफा ढूंढ के दिखाएगा तेरे को. 10,000 निकाल. और मैं दे रहा है तेरे को 10,000 रुपया, तो मेरा पार्ट तो बराबर है, बट तेरा पार्ट तू क्या कर रहा है? अली बाबा की गुफा है भी क्या? समझ में आया? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी वेग, इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी डेफाइनाइट. इज दिस क्लियर एवरीवन? Now, everyone, listen to me carefully. Consideration का कुछ value होना चाहिए, बराबर? But क्या वो adequate होना चाहिए? क्या consideration का adequate होना जरूरी है? क्या consideration का full होना जरूरी है? क्या consideration adequate रहना चाहिए या consideration inadequate हो सकता है? बोलो बोलो. स्क्रीन गया? अभी आ रहा है क्या स्क्रीन? एवरीवन फास्ट 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 फास्ट. एडिक्वेट मतलब क्या, ध्यान से सुनो. ये है मिस्टर भोला और ये है मिस्टर छोला. ठीक है, मिस्टर भोला के घर मिस्टर छोरा छोला is a servant. ठीक है, अब हुआ ये कि मिस्टर भोला ने दिलदारी से अपना 10-15 साल से काम करने वाला नौकर है, उसको क्राइसिस के टाइम पे उसने उसको ₹50,000, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, ₹50,000 पे किया. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. इसने ₹50,000 दे दिया, इसने अपना पार्ट निभा लिया. ठीक है, अब ही वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न, करेक्ट? अब हुआ ये,
मिस्टर छोला जो है वो उनकी उम्र हो गई थी, उनको अपने गांव खेती बाड़ी करने जाना था। मिस्टर छोला ने क्या बोला, एक साल के बाद की बात है, मिस्टर छोला ने बोला साहब अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे बेटे ने भी शादी कर ली है, बेटा भी अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को लेके खेत में रहूं, अपने फार्म अपने गांव चले जाऊं, मैं आखिरी सांसें अपने गांव में लेना चाहता हूं। मिस्टर भोला ने बोला चलेगा, जाओ बिंदास्त, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मिस्टर छोला ने बोला साहब बोलो। साहब वो 50,000 रुपए की ही बात है ना। भोला ने बोला अरे छोला चिंता मत कर, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन, तू कल जा रहा है ना, कल मत जा, तू आज से 5 दिन बाद चले जा, मेरे बेटी की शादी है, मैं चाहता हूं कि तू अगर रह जाएगा 4-5 दिन तो तेरी बहुत मदद हो जाएगी। तो मिस्टर छोला ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, करेक्ट, सर्विसेज क्या एडिक्वेट थी? 4 दिन रुक के काम किया, भाग दौड़ी की, साफ सफाई किया, क्या 4 दिन का 50,000 रुपया बराबर है? क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट है? क्या मिस्टर भोला के साथ गलत नहीं हुआ? हुआ ना, बट ऐसा लॉ में कहा लिखा है 50,000 लिया है तो 50,000 जितना काम करके दिखा, लिखा है कंसिडरेशन इनएडिक्वेट रहा तो भी चलेगा, एडिक्वेट रहना जरूरी नहीं है। इज दिस क्लियर? हो गया सबका? समझा सबको? एडिक्वेट रहा नहीं रहा फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, आज तो आप लोग दिल जीत रहे हो इस बीमार बुड्ढे का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ सबका साथ सबका विकास करेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अब क्या आपको मैंने ये चीज बताई थी, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ये बात पता है अपने को? अब उसी तरह एक होता है लॉफुल कंसिडरेशन और दूसरा होता है अनलॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन या तो लॉफुल होगा या तो अनलॉफुल होगा। ठीक है, जब भी कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो क्या और लॉफुल होता है तो क्या समझने का है? ठीक है, लॉफुल रहा तो इट इज वैलिड, अनलॉफुल रहा तो इट इज वॉइड। वॉइड मतलब यू कैन नॉट एनफोर्स इट इन कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड मतलब क्या, यू कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन कोर्ट। मतलब सर समझा नहीं, समझाता है ना? नेवर माइंड, ए ने बोला बी को, सॉरी शूट सी, ए ने बोला बी को कि तू अगर ये व्यक्ति को गोली मारेगा तो मैं तेरे को दूंगा 50,000 रुपया। क्या बोला इसने, तू गोली मार तेरे को 50,000 रुपया मिलेगा। गोली मार दी, सी जो है मर गया, ए ने पैसा दिया नहीं। क्या बी ए को कोर्ट में घसीटेगा और बोलेगा कि इसने मेरे को काम करवाया, इसने मेरे को पैसा दिया नहीं, ऐसा बोल सकता है? कोर्ट में जाएगा बोलेगा जज साहब सुनो ना जज साहब देखो ना, जज साहब ने देखा, जज साहब ने बोला बोल मेरे बेटा क्या हुआ, तेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? बी ने बोला जज साहब
समस्या ये है कि मैंने इस आदमी का काम किया और ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है। जज साहब ने बोला, अच्छा क्या काम किया बता जरा। जज साहब मैंने ना ये आदमी को गोली मारी, मैंने गोली तो मार दिया, जिस दिन बोला उसके एक घंटे में तो टपका दिया, मेरा पैसा नहीं दिया, कुछ करो ना। जज साहब चेयर पे से खड़े होंगे और बोलेंगे, समझ में आया। क्योंकि कोर्ट एक न्याय का घर है, गंगा है, सफेद पानी है, दूध की तरह सफेद निर्मल है, तेरे खून के हाथ तू इस सफेद पानी में धोएगा तो ये पानी का रंग सफेद नहीं लाल हो जाएगा। समझ में आया। वाइड मतलब क्या? कैन यू एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इन कोर्ट? द आंसर इज नो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लिख के लेना है। जैसे अपन ने लिखा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, हमें ये लिखना है कि ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल बट ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर void. हर void contract illegal नहीं होता but हर illegal contract void होता है। मैंने pen रख दिया है, अपने हाथ खड़े कर दी है। I hope you understood what I meant. सबको समझा क्या? सबको समझा क्या? क्या सबने ये भी अपने टॉप मार्जिन पे लिख के लिया क्या? नाउ आई नहीं यशदा क्या नहीं समझा? ओके, सानिका यशदा पे अटेंशन। जब मैं void contract की बात करता हूं, void contract बहुत दूसरे दूसरे अलग अलग कारणों के वजह से हो सकता है। void contract मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है, करेक्ट? अब ध्यान से सुनो, यस, बता रहो। ये है पार्टी ए, ठीक है, और ये है पार्टी बी। पार्टी ए की एक शिप है, पार्टी ए के पास एक शिप है जो न्यूजीलैंड से निकल के इंडिया आने वाली है, ठीक है। तो ये जो न्यूजीलैंड है, यहां पे एक शिप है, इसमें कुछ गुड्स है जो पार्टी बी ने ए के पास ऑर्डर किए थे, ठीक है। नाउ
इसने सिर्फ कॉल करके पूछा कि आपके पास गुड्स है क्या। ए ने बोला है, मेरी शिप आ रही है। तो बी ने बोला ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस पे कल आ जाता हूं। ए ने बोला कूल, नो प्रॉब्लम। पार्टी बी नेक्स्ट डे गोज टू द ऑफिस ऑफ पार्टी ए और बोलते हैं कि देखो आपके शिप में कितना सामान, कितना माल आ रहा है। पार्टी ए बोलती है मेरी शिप में 4 बड़ी मशीन्स आ रही है, उसमें से 3 ऑलरेडी बुक्ड है, 1 ही पेंडिंग है। क्या आपको आपको ये चीज, ये मशीन बुक करनी है? पार्टी बी ने बोला हाँ करनी है, करनी है। व्हेन दीज टू वर हैविंग कन्वर्सेशन एंड सिपिंग ग्रीन टी एंड कॉफी, समंदर के अंदर ये शिप का हो गया टाइटैनिक, ये शिप डूब गई। जब ये शिप डूब गई तो कंसिडरेशन ही नहीं है, मशीन ही नहीं है ना। अब मशीन तो आने से रही, फिर से 4 ही मशीन थी, 3 ऑलरेडी बुक थी और 1 इसके लिए मंगवा रहा था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब ये लोग एंटर करेंगे, चाय पीते पीते पेपर निकालेंगे, साइन वाइन करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड वॉइड। क्या बी बोल सकता है मेरे को नहीं मालूम, जमीन में से मेरी मशीन निकाल के दे मेरे को बाहर? द आंसर इज नो, दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहां पे आपको कुछ इलीगल देखने को मिल रहा है? क्या इसके अंदर कुछ इलीगल है? क्या इसके अंदर आपने कोई इलीगल पार्ट देखा जो कानून के खिलाफ है? बोथ ऑफ देम वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, बोट डूब गया। क्या अब बी बोल सकता है मेरे को नहीं मालूम, वो मशीन को निकाल के दे मेरे को पानी में से, अभी मशीन के भाव बढ़ गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपन ने। ए बोलेगा सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, बोट ही डूब गई, बोट जब थी ही नहीं मशीन, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, हम लोग इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, चाहिए तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। आपने मुझे 10 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपया ऊपर और पे करो और नई मशीन में आपके लिए अगले महीने, अगले साल मंगवाता हूं। इज दिस क्लियर यशोदा? तो ये एग्रीमेंट तो हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ वॉइड, बट इलीगल हुआ नहीं। तो हर वॉइड एग्रीमेंट, हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है क्या? नहीं होता। बट हर इलीगल एग्रीमेंट, हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है। Now, Anushka, pay attention. This is you. This is Gunda. ठीक है? Anushka के आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 1 करोड़। गुंडा आया, आपके सर पे बंदूक रखी। गुंडा आया आपके सर पे बंदूक रखी और बोला ए मैडम, ये प्रॉपर्टी कितने का है? 1 करोड़ ना, तेरे को मैं इसका 25 लाख रुपए देगा। ये प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर, प्रॉपर्टी दे, 25 लाख ले और जा इधर से। आप डर गए, आपने साइन कर दिया डर के मारे, पेपर प्रॉपर्टी नाम पे कर दी उस गुंडे के, आप चले गए। नाउ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 25 लाख रुपए लेके बनाया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपको डरा धमका के बनाया गया था? The answer is yes. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुंह बंद रखो, या तो आप कोर्ट में जाओ और बोलो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट डरा धमका के बनाया गया है, मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी भी नहीं थी, इसने गन मेरे सर पे रखी, धमकाया, धमकी दी, इसके लिए मैंने इसके नाम पे प्रॉपर्टी की। सो यू आर द अग्रीव्ड पार्टी। Voidable contract can be enforced in court of law by aggrieved party. Aggrieved यानी जिसके साथ गलत हुआ है, वो बोल सकता है कि ये contract voidable है, मेरे को ये property बेचनी नहीं थी, जज साहब मुझे न्याय दो। Void contract के अंदर आप न्याय भी नहीं मांग सकते हो। Voidable में न्याय मांगने का हक मिलता है, void में आप न्याय भी नहीं मांग सकते, वो contract ही नहीं होता है। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone now?
सो एवरीवन, लॉफुल कंसिडरेशन ये सारा अपन कल पढ़ेंगे. अब मेरा होमवर्क सुनो. अभी कोई भी आंसर, कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट आंसर प्रॉम्प्ट नहीं करेगा. सिर्फ सुनने का काम करो, ठीक है? ध्यान दो. मैं ना आपको एक चीज पूछने वाला हूं और आपको सोचना है और मुझे उसका जवाब देना है. ठीक है? और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो रेड पार्ट है वो है अनलॉफुल, और जो ग्रीन पार्ट है वो है लॉफुल. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपने और मैंने, ये आपका होमवर्क है. नो वन इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट एनीथिंग हियर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने, उसका एक पार्ट है अनलॉफुल और दूसरा पार्ट है लॉफुल. टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ है कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी जो लॉफुल है, आप कानूनी तौर पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट उसका जो आगे का पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इट इज अनलॉफुल. ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का है, कैन दिस ब्लू कलर्ड कॉन्ट्रैक्ट बी एग्जीक्यूटेड? क्या हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? दिमाग लगाओ, पढ़ाई करो, कुछ भी लगता है तो अपुन है ना, ठीक है? सो एवरीवन, डोंट ब्रेक योर पिंकी प्रॉमिस, डू योर होमवर्क ऑन टाइम, स्टडी प्रॉपरली, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीवन? मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह. बाय. जाओ, बाय. जा रहा हूं मैं. जाओ 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 जाओ. बाय 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 बाय. एंड यस, हैप्पी फादर्स डे एंड हैप्पी योगा डे अगेन. बाय.